संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का संसार तुम्हारे हाथों में। नमस्कार दोस्तों, मैं नूनलाल चौधरी हारमोनियम ब्रदर में आप सबका स्वागत है। आइए बहुत प्यारा। हाँ दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत सुर का ज्ञान है आपको, तो आप खुद गाना निकाल सकेंगे। आप देखेंगे, आपको देखने के बाद कहेंगे इतना आसान है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सुर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुर ज्ञान नहीं होगा हम लोग को, तो हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर गाना नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि सी शार्प से हम कोई सारे जैसे हमको सुर ज्ञान होता है, तो जैसे कि हम कोई गाना बजा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो गाना सुनने के बाद में, भजन सुनने के बाद में उनको हम निकालने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहाँ से निकलेगा। देखिए, असल बात में होता ये है कि भजन हो चाहे कोई गाना हो, लय माध्यम से शुरू होता है, कोई तार सक्त से शुरू होता है। तो अगर सुर ज्ञान होता है ना, तो उसमें आदमी को पता चल जाता है ये भजन, ये गाना कहाँ से निकलेगा। तब मान के चलिए एक भजन है, अब सौंप दिया इस जीवन का। कैसे हुआ? सारे ये भजन जो है एक मध्यम स्वर से, मतलब गाना कबूल हुआ है। अच्छा, जैसे कि हम तार सक्त एफ शार्प से गाएंगे, तो इसका जो रेंज है वो आगे भागेगा। ठीक है, अब देखिए, दिया अब सौंप दिया। यहाँ पर गा कोमल लगता था, यहाँ पर भी गा कोमल लग रहा है। अब सौंप दिया इस जीवन का संसार तुम्हारे हाथों में। तो इसी प्रकार से स्वर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्वर ज्ञान अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो
स्वर को देख करके बजाइए, सुनिए। ये हमारा सा हो गया, सी शार्क, एफ शार्क, चाहे आप कोई भी स्केल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको आप अच्छी तरह से धुन को समझिए कि हमारा सा हो गया, इसका रेंज, इसका आवाज़ कैसा है, रे का कैसा है और गा का कैसा है। ये तो शुद्ध स्वर का हम बता रहे हैं। अच्छा, जब शुद्ध स्वर का हो गया तो आपको कोमल स्वर को भी लेकर चलना है कि कोमल स्वर में रे का ध्वनि कैसा है, गा का ध्वनि कैसा है और मा तीव्रम जो है, मा तीव्रम और शुद्ध मा जो है, मा तीव्र का ध्वनि कैसा है और शुद्ध मा का ध्वनि कैसा है, समझ गए। तो आपको अगर यही सुर अगर कान में कंठस्थ कर लीजिएगा तो आपको मिनिमम स्वर ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही सीखे थे, आपको क्या बताऊँ। बस सुर को बजा करके देखे कि सा का ध्वनि कैसा है, रे का ध्वनि कैसा है, कोमल रे का ध्वनि कैसा है, कोमल गा का ध्वनि कैसा है, बजा करके देखे, कोशिश करके देखे। तो हम जब कोई गाना बजता है या कोई धुन बजता है तो हमको पता लग जाता है कि ये राग का ये गाना है, ये भजन है, इस पर है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि स्वर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मान के चलिए कि सा सा कोमल रे कोमल गा मा पा धा कोमल नी कोमल सा तार सप्तक का सा सा नी कोमल धा कोमल पा मा गा कोमल रे कोमल सा। तो इन्हीं स्वर को 12 स्वरों में अगर आप रटेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको कंठस हो जाएगा, इसी को कहते हैं स्वर ज्ञान। अगर आप थोड़ा बहुत स्वर ज्ञान हो गया है तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर बजाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका जो उंगली है तो आप देखिए, मान के चलिए उदाहरण पे आपको हम बता रहे हैं, अब सौंप दिया, अब सौंप दिया, नहीं हुआ दिया, नहीं हुआ दिया, अब सौंप दिया इस जीवन से है। तो आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हम कोशिश करते हैं, करते रहेंगे इसी तरह का वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।